एक भी जरा भी झूठ बोला तो मेरे हाथ में माइक है सर, यही पूछना चाह रहा था सर मैं कि जरा भी डर नहीं लगा। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे सबने बोला कि नहीं नहीं किसी को भी साइन करो, नाना को नहीं, पागल हो गए हो क्या? मुझसे सबने ही बोला बुढ़ापे में पिटना है क्या? सीरियसली एवरीबडी टोल्ड मी कि नाना के साथ जाओगे और उससे कुछ अच्छा नहीं लगा, अगर तूने थोड़ा भी 10% कॉम्प्रोमाइज किया काम में या बोला अच्छा जल्दी है ये एंगल चेंज करते हैं तो वो मार देगा पकड़ के तुमको। तो मैंने फिर पल्लवी ने काम किया, मैंने पूछा क्या है तो पल्लवी ने बताया मुझे कि काम को लेके नाना, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे का भी सेट पे। तो जब मैं नाना से मिलने गया, एक तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, बोले पूना में रहते हैं। पूना में नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, ये पूना से दूर एट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं एक फार्म हाउस है खड़गवासला में, वहाँ रहते हैं। तो मैं वहाँ गया तो नाना ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया, खुद अपने हाथ से खिलाया। मैंने पहले खिलाना पड़ता है तो मैंने कहा बकरे को हलाल करने के पहले खूब खिलाना, खिला रहे हैं स्ट्रेटजी अच्छी। फिर मुझे रहा नहीं है, मैंने कहा लेट्स जस्ट कट इट शॉर्ट। मैंने कहा नाना तो मुझे 4 नहीं 5 झापड़ मार देना, लेकिन ये रोल जैसा लिखा एग्जैक्टली वैसे ही करोगे कि नहीं? एंड आई प्रॉमिस यू नाना वॉज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट। जिन लोगों ने काम किया सब जानते हैं, 24 घंटे सबको दौड़ाना, खुद सबसे पहले पहुंचना। एंड ही मैं जब इनके रूम में गया वहाँ पे लखनऊ में, जब हम लोग पहले दिन स्वीट में, तो वहाँ पूरे स्वीट में सिर्फ कागज ही कागज बिखरे हुए थे। और मैं घुसा और नाना ने कहा विवेक सीन नंबर 79 ये सुन, लिख लिख के जो मिल जाता था उसे पकड़ के मेरे डायलॉग। एंड ही वर्क सो हार्ड क्योंकि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स थे, टेक्निकल हैं, इंग्लिश में भी हैं। अंग्रेजी हमको उतनी अच्छी आती नहीं है तो हम रट लेते थे यार फिर वो, बट इट वॉज, और सिंग साउंड था वो सुधार नहीं सकते, सिंग साउंड का भी प्रॉब्लम है। बट मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। नाना सर दिस वंस फॉर यू, आपके लिए यही सवाल है। ये पूरी जर्नी अगर मैं बोलूं, इतनी सारी कमाल की फिल्में आपने की हैं, दिग्गज आपको माना जाता है ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, यहाँ पे क्या खास था जो आपको हिट किया सबसे ज्यादा? बिकॉज वो दिख रहा है, वो आंखों में दिख रहा है वो इमोशन। मैंने एक जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मतलब बिल्कुल मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था। अब उधर देखो और इधर देखो। हाँ। अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे आप, उनसे बात करोगे, मैंने कहा नहीं, वो इम्प्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा। और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी। उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो, और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से है, अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ है। मैं सच कहता हूँ, वो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया इतना काटा यार, ऐसा बहुत काम करवाता है। और सुबह से लेकर शाम तक मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूंगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवाता था। ये झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते हैं और काम करो, प्रॉब्लम ये है। काफ़ी मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी, हालांकि थक जाते थे हम। और इतना बर्बोश है ना, बहुत बोलना, टेक्निकल है, अंग्रेजी तो हमारी वैसे ही मतलब वाह कमाल, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन कमाल के बाकी के सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हमारे हैं जो आर्टिस्ट हैं, बाद में बुला लो ऊपर।